वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आज फॉर अ चेंज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. व्हाई डू वी स्टार्ट स्मोकिंग? दोस्त हमें प्रोवोक करते हैं तो हम शुरू करते हैं. हाँ, मींस लाइक ओ यार वो भी करता है, चल तू भी करके देख एक बार, ट्राई तो मार, ट्राई तो मार यार. एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? दोस्त हमारे पी रहे हैं, या तो वो फोर्स करते हैं, फोर्स नहीं भी करते तो हमारे अंदर से जाता है, चल यार ट्राई तो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ ना क्या है क्या नहीं है. एक बात कभी सोची है कि जो दोस्त आपको फोर्स कर रहा है सिगरेट पीने के लिए, या आपको बोल रहा है सिगरेट पीने के लिए, क्या वो आपका दोस्त है? कौन है वो आपका? दुश्मन है. डू यू हैव एनी आइडिया कि जो निकोटिन है, ये पता है ना सबको सिगरेट में निकोटिन होती है, ये पता है कितनी एडिक्टिव है ये? इट इज मच मोर एडिक्टिव देन एल्कोहल. समझ पा रहे हो कितना खतरनाक ये स्टेप है? अगर आप गलती से भी मजे के लिए भी उठाते हो तो, कि एक बार ट्राई करने के लिए भी उठाते हो, सबकी शुरुआत ऐसी होती है, ट्राई करते हैं और सबको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो जब चाहे छोड़ सकता हूँ, मैं तो बस मजे के लिए एक आध कभी कभी लगा लेता हूँ, होता है ना, ऐसे ही सबकी शुरुआत होती है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर कि नंबर वन तो अगर वो दोस्त, आप जिनको दोस्त कह रहे हो आपके दोस्त ही नहीं है. नंबर टू, ये करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बिकॉज इट इज वेरी वेरी एडिक्टिव. सर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि 70% फ्रेंड जो है कि स्मोकिंग करते हैं. कई मैंने जब ऑब्जर्व करा है कि सारे फ्रेंड इकट्ठे होते हैं तो सारे अपनी अपनी बोलते हैं तेरी क्या कैपेसिटी है, तेरी क्या कैपेसिटी, कंपटीशन हो जाता है. मेरी इतनी कैपेसिटी है और मैं इतनी गहरी खींच सकता हूँ, इतनी देर तक रोक सकता हूँ, ये भी होता है ना. रोक के बैठे हो यहाँ बेटे, रोक ले तेरे को जितना रोकना है, उसके बाद तेरी जिंदगी रुकेगी आने वाले टाइम में. पता नहीं है लोगों को कर क्या रहे हैं, मतलब कहाँ फंस रहे हैं. अभी आप लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आपकी एज ग्रुप में आपको पता नहीं है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. मेरे सामने बड़ा क्लियर है. इनफैक्ट मजे की बात क्या है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको उनको पहली सिगरेट मैंने पिलाई थी. हाँ, ये सारे कमाल के सुट्टे वाज हैं, चेन स्मोकर्स, और मैं छोड़ चुका हूँ. तो मैं देख पा रहा हूँ उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है. तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन करना ही है तो ढंग की जगह पर करो ना. आप कॉम्पीट करो कि मैं एक भी नहीं पीता हूँ. देखते हैं तुम में से कौन है जो एक भी नहीं पीता है. एक्चुअल में तो आप ही समझदार हुए ना, ऐसे कॉम्पिटिशन करो. ये मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैं 18 साल का हो गया हूँ लेकिन आज तक मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है. तुमने कितनी पी है? अच्छा 100, तो तू बेवकूफ़ है. तूने कितनी पी है? 1000, महामूर्ख है. और तूने कितनी पी है? 10,000. अबे तू तो सबसे बड़ा. बताइए आपने कैसे छोटी की, आपने भी स्टार्ट करी थी 11 से, आपने बताया था तो आप फ्रेंड सर्कल में पढ़ गए थे, जिम जाते थे, तो फिर सब कुछ पता है आप लोगों को मेरे बारे में. देखो आप में से जो लोग पीते हैं ऑलरेडी उनको मैं बता देता हूँ, बिकॉज अभी अगर छोड़नी है तो ये राइट एज है. अभी आपकी एज क्या है? 16-17 साल, 18 साल. तो अभी आपको अगर पी भी रहे हो तो कितना टाइम हुआ है? 1-2 साल. तो अभी आप ऐसे छोड़ सकते हो चाहो तो. जब लाइफ में क्लियर हमको समझ आ जाता है कि अब मुझे कुछ करना है, ये जो सारे काम है ना विलो के काम है, मतलब करने के लिए कुछ है नहीं, दोस्तों के साथ में बैठे हैं, चल यार मैं भी लगा लेता हूँ. तो मैं भी एक ज़माने में महाविल्ला था, करने धरने को कुछ नहीं था. फिर अंदर से आया कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, जैसे ही वो आया इमीडिएटली मैंने छोड़ दी. नंबर वन. नंबर टू, फिर उसके बाद दोबारा जब मन करता था मेरा पीने का तो मैंने अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन कर दिया कि जो सिगरेट का धुआं है अगर मेरे आसपास भी कहीं आता है तो मुझे खांसी आने लग जाती है. आती नहीं थी शुरू में कुछ दिनों तक, लेकिन मैं खांसता था. ये दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ हूँ तो खांसने लग गया. अब मुझे एक्चुअल में आती है, मतलब एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर मेरे आसपास में कोई पिए तो आई कांट सिट देयर. तो शुरू में कुछ दिनों के लिए अपने आप को झूठ बोल सकते हो जिस वक्त आप छोड़ रहे हो, लेकिन ये झूठ बड़ी जल्दी सच बन जाएगा क्योंकि माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है. जैसे किसी के दिमाग में बैठा हुआ आइसक्रीम खाते मेरा गला खराब हो जाएगा, गला खराब, जुकाम हो जाएगा, जुकाम, उनको हो ही जाता है जुकाम. आइसक्रीम से नहीं हो रहा है जुकाम, माइंड में एक तरह से आप कह सकते हो प्रोग्राम फीड हो गया है. आइसक्रीम को देखा मतलब जुकाम शुरू. खाने की भी जरूरत नहीं है, सूंघ लो, बहुत होता है ना, ऐसे ही सिगरेट का खेल है. बट ये आज के सेशन का टॉपिक नहीं है. टॉपिक क्या है कि हम क्यों शुरू करते हैं, स्टार्ट ही क्यों करते हैं? सर डिप्रेशन में, डेली रूटीन्स की फ्रस्ट्रेशन में कि बस यार बस थक गए अब. और उसके बाद लोगों को पीते हुए देखते हैं, और आजकल बहुत कॉमन है, हुक्का बहुत चलता है आजकल. तो देख देख के लोगों को कि यार एक बारी ट्राई करते हैं, दो बारी, फैशन ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया है. हुक्का पार्टी बिना हुक्का के तो अधूरी है. हाँ, हुक्का पार्टी, राइट, कूल वाली फीलिंग, कूल है, कूल है.
ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज हैव अ सीट. कूल राइट? सिगरेट पीना, हुक्का पीना, इज इट रियली कूल? सच सच बताना, मतलब स्पेशली लड़कों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लड़कों को लगता है कि भाई मैं स्टड लगूंगा अगर मैं अपने बाइक के साइड में खड़ा हूँ, सुट्टा मार रहा हूँ, लड़की देखी क्या बंदा है, यही तो मुझे चाहिए था. ऐसा कुछ होता है क्या? कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, इतनी सारी बैठी हैं, बताओ कोई भी एक भी ऐसी है जो कहती है कि सिगरेट पीना कूल है? एनीबॉडी? तो ये मिथ है ना हमारा. तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मैं बड़ा स्टड लगूंगा, मैं बड़ा कूल लगूंगा, मैं स्टाइलिश लगूंगा. इनफैक्ट एक्चुअल में कूल होने का असली मतलब क्या है? कि भेड़ बकरियों की तरह चलना, डूइंग व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग इज नॉट कूल. डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नोबडी एल्स इज डूइंग इट इज कूल, इज रियली कूल. ये कूल वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर हो गया. नंबर टू, आपने क्या कहा था? डिप्रेशन. डिप्रेशन, हाँ, कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, प्रेशर है, कई तरह के लाइफ में बड़ा बोर्डम है, वही सेम रूटीन, बार 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 गोल 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 घूम रहे हैं. तो हम क्या देखते हैं कि हाँ वो बंदे हैं सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं व्हाटएवर, और वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कुछ देर के लिए. तो हमको क्या माइंड में बैठ जाता है कि अगर अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने बोर्डम को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो ये एक ऑप्शन है. लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सिगरेट पीने से या दारू पीने से या इन सब चीज़ों से लॉन्ग रन में, अभी एक दिन की दो दिन की बात नहीं करता, लॉन्ग रन में, मतलब एक साल बाद, दो साल बाद, पाँच साल बाद, दस साल बाद, क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है इसकी वजह से या कम होता है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है. बोर्डम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है. एक एडिक्शन लग जाती है तो ये भी होता है कि एडिक्शन लग गई, अब चाहिए, चाहिए, चाहिए. अब चाहिए चाहिए चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है. कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा होगा? उसमें जो कहता है कि मेरे पास में मौका है, मैं चाहूं तो दारू पी सकता हूं, सिगरेट पी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं पीता. या उसमें जो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, बहुत बार कोशिश करी लेकिन नहीं छोड़ पा रहा. फर्स्ट वाले में, हाँ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ सोच लूं तो मैं उस पर टिका रह सकता हूं. और दूसरा वाला बंदा क्या कह रहा है? मैंने बहुत बार कोशिश करी लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा, नहीं कर पा रहा. और एक्चुअल में बताऊं तो उसकी भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, बिकॉज इट इज सो स्ट्रांग. अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप साइंटिफिकली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना खतरनाक एडिक्शन है ये, कैसे हम इस पर डिपेंड हो जाते हैं. और जैसे ही छोड़ते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये आपको पता है कि जब छोड़ते हैं सिगरेट जो लोग, एक डिप्रेशन वाली स्टेट आ जाती है. मतलब इससे हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, उल्टा जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं. और उसके अलावा इसके कितने नुकसान हैं वो तो हमको पता ही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. सर, अ सॉलिड रीजन आई हैव फॉर दिस, दैट व्हाई डू वी स्मोक. सर, स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज लाइफ में एक सबसे सॉलिड रीजन, एक तो हमने जैसा डिस्कस किया अभी फ्रेंड जोन का हमारा कैसा है, एक रीजन आता है सर रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, उसमें ब्रेक. हाँ, जैसे आजकल ट्रेंड बना रखा ब्रेकअप हुआ. हाँ, हाँ, सर, जिसमें मैक्सिमम सर रीजन गर्ल्स के जो सिगरेट पीने का, तो यही होते हैं. हाँ, हाँ. एक होता है उनको पीयर प्रेशर, एक होता है. आपको पता है कि गर्ल्स का सिगरेट पीने का रीजन? यस सर, वाह जी वाह, फ्रेंड जोन में बड़ी तगड़ी साइकी पता है सर, क्योंकि फ्रेंड जोन में देखा है ना सब. नंबर वन तो मैं ये कहना चाहूंगा, गर्ल्स और बॉयज में कोई फर्क नहीं रह गया है, तो इस इल्यूजन से हमको बाहर आना है कि हाँ गर्ल्स मतलब ये, बॉयज मतलब, अरे सारे पीते हैं, सारे एक से बढ़कर एक हैं, क्या लड़के क्या लड़कियाँ. तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस लाइन कि लड़का लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होता है, दर्द होता है सर. वो उस दर्द से छुटकारा पाने का जो तरीका, हाँ, उस दर्द से छुटकारा पाने का जो तरीका है वो हमने मूवीज में देखा ही है ना, क्या है? दारू पियो, और दारू के साथ में अगर सिगरेट हो जाए तो वो तो दिखता ही है हमको सब जगह पे, है ना, पार्टी के लिए चले जाओ. तो फिर हम वहां पर सिर्फ खुंदक में शुरू करते हैं, मतलब आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यस सर. फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है, ब्रेकअप वापस से पैचअप भी हो जाता है, लेकिन सिगरेट नहीं छूटती है, है ना. हाँ, दूसरा भी बंदा आ जाता है लाइफ में, या बंदी जो भी है, लेकिन सिगरेट वहीं की वहीं रहती है, सिगरेट नहीं छूटती है, है ना. यस सर. हाँ बताइए सर. एज इन कई प्रोफेशंस है वो बोलते हैं कि हम रात को जागने के लिए ड्रिंक एंड स्मोक करते हैं सर. सर, इससे भी कई बच्चे बोलते हैं कि वो भी तो पीते हैं, एंड वी आर ऑल्सो. मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज कि जो लोग ये रात को जागते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे उनको रात को जागना पड़ेगा, तो उसके लिए सिगरेट से नींद उड़ जाती है. दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल से. अगर जागना ही है तो कॉफ़ी पियो ना. सिगरेट से आपकी लेजीनेस बढ़ती है कम होती है, कभी सोचा है? स्टेमिना बढ़ता है कम होता है, इतना तो पता है ना हमको. स्टेमिना मतलब क्या? एनर्जी. तो एनर्जी कम हो रही है, ये मिथ है कि इससे सिगरेट पीने से एनर्जी आ जाती है, सिगरेट पीने से पॉटी आ जाती है.
जब तक ये ना हो वो नहीं होता, वो नहीं होता, इससे नींद आ जाती है. अरे क्या मतलब क्या होता है इससे? कोई कहता है इससे नींद अच्छी आती है, रात को मेरे को चाहिए चाहिए. ये कहता सुबह उठते ही चाहिए चाहिए, उससे एनर्जी आ जाती है. अरे दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? रियलिटी क्या है? इससे हमारा स्टेमिना कम होता है, इससे एनर्जी कम होती है, इससे लेजीनेस बढ़ती है. उस टाइम पे कुछ सेकंड्स के लिए किक मिल सकती है, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि क्या होता है जैसे निकोटिन जाता है तो अंदर डोपामिन रिलीज होता है, तो कुछ सेकंड्स के लिए बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर उसके बाद में एकदम से डिप भी होता है. इट इज लाइक पीक एंड वैली. और कोई रीजन? सर समटाइम्स इट इज़ लाइक दैट कि पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है कई चीज़ों पे. लाइक हम कुछ सही काम भी कर रहे हैं तो भी हमें उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती, तो हम सोचते हैं कि कुछ गलत काम कर ले तो हमें मज़ा आएगा और कोई मतलब औरों को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है और किसी से. हाँ एक्सेलेंट पॉइंट. मतलब आप ये कह रहे हो कि हमको अगर हम कुछ सही भी करते हैं, सही मतलब क्या जो घर वाले कह रहे हैं हम उस हिसाब से भी चलते हैं, तो अच्छी बातें तो कोई देखता ही नहीं है, हमारी अच्छी क्वालिटीज़ तो कोई देखता ही नहीं है, और अगर भूले बिसरे कभी हमने कुछ गलत कर दिया तो वो पकड़ लेते हैं और हमारी अच्छी खासी क्लास लग जाती है. तो हम कहते हैं कि जब क्लास लगनी ही है तो कुछ पंगे ले ही लो, कुछ गलत कर ही लो. तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं नहीं पी रही हूँ सिगरेट या शराब या ड्रग्स, ये सब चीज़ें अगर मैं नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं इसकी एडिक्ट हो गई. एडिक्शन की शुरुआत होती है एक से, यानी मैंने एक भी पी तो समझ जाओ आपके 90% चांस है एडिक्ट होने के. तो एक एक जो होता है राइट, तो अगर मैंने एक भी पी तो दैट मींस कि मेरे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फंसने के चांसेस इन द सेंस कि मैं अपनी लाइफ को ही ख़राब कर बैठूंगी. तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाए. सर वी यूजुअली गेट इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स, लाइक वो मूवीज में स्मोकिंग कर रहे होते हैं, नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट हमें लगता है अरे रणबीर कपूर भी तो कर रहे हैं, हम भी स्टार्ट कर देते हैं. मतलब क्या हो रहा है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से भी. क्यों हो जाते हैं हम इन्फ्लुएंस, कभी सोचा है? कौन है ये फिल्म स्टार्स? मतलब आधे रियल हीरोज या फिर सिर्फ दिखा रहे हैं अपने आप को हम हीरो? सो डू यू वांट टू बी समबडी जो दिखाए अपने आप को हीरो या एक्चुअल में हीरो बनना चाहते हो? तो एक्चुअल हीरो कौन है? अरे कहाँ मुझे कहाँ से बीच में घुसा दिया. वैसे इन जनरल एक्चुअल हीरो कौन है? हाँ हाँ, कब हो आप खुद जब उनके ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो? जब हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. हम डिफरेंट कर रहे हैं यानी कि वो ड्रग जो हर कोई नहीं ले रहा है वो ड्रग हम ले रहे हैं. चाहे हम डिफरेंट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग द राइट थिंग, देन यू आर अ रियल हीरो. हीरो बनना ही है तो असली हीरो बनना.